रहे हैं धाम के दर्शन के लिए, तो देखें किस तरह से उतर रहे हैं। और बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कभी अगर गिरते हैं तो सीधा अंदर अंदर खाई है, अंदर बिल्कुल नीचे, बहुत ही मुश्किल है नीचे, और नीचे जाना है टाइम है, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे वहाँ दर्शन करिए। जब बेला में बुलाया माता के प्यारे चलो, प्यारे चलो, हिंगलाज मैया का मेला आया द्वारे चलो, हिंगलाज मैया की शेरवाली माता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी करें, और से बंद हो जाती है, इतना ना मुश्किल रास्ता है ये। और तो अभी गर्मी भी बहुत है, धूप भी निकली लगभग दो उम्र है, और आप देख सकते हैं वहाँ से यात्रा करके नीचे एक तरफ अभी तक आती यात्रा कर। ये धाम है जहाँ पे पानी वगैरह भी लोग साथ में लेके जाते हैं, और ये नदी है, एक बूंद बूंद पानी आ रहा है। ये शेरवाली माता की जय, शेरवाली माता की जय, दुर्गा माता की जय। ना वो नीचे की तरफ, नीचे लोग नजर आ रहे होंगे, इस साइड, इससे नीचे जाना है हमें, यहाँ पर एक धाम है वहाँ पे यात्रा करनी है हमें। ये देखो नीचे देख रहे हो ना आप, हमें इस जगह पे जाना है, यहाँ पे एक धाम है वहाँ पे हमें थोड़े दर्शन करने हैं। यहाँ से वहाँ से तकरीबन जो है सफ़र करके आ गए, और यहाँ से नीचे उतर रहे हैं धाम के दर्शन के लिए, तो देखें किस तरह से उतर रहे हैं। और बिल्कुल भी गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कभी अगर गिरते हैं तो सीधा अंदर अंदर खाई है, अंदर बिल्कुल नीचे है। और यहाँ से किस हिसाब से हर कोई अपने अपने रिलेटिव जो आए हैं उनको उतार रहे हैं। माता हिंगलाज के दर्शन करने इतने मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है हमें, पहाड़ों के बीचों बीच है अंदर। हम भी अभी नीचे से उतर के जाएंगे, और रास्ता ये बहुत ही मुश्किल है नीचे, और नीचे जाना है टाइम है, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे वहाँ दर्शन करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मैं भी अभी यहाँ से नीचे उतरना है, और आप देखें तो काफ़ी पाँव फिसलने की काफ़ी गुंजाइश रहती है यहाँ पे, लेकिन माता की कृपा रहती है, कुछ भी नहीं होता ऐसा यहाँ पे, तो माता की कृपा से हम तो अभी नीचे चढ़ रहेंगे हम यहाँ से, और नीचे भी चढ़ाइए चलेंगे अभी नीचे उतार रहे हैं। और यात्री जो भी आए हुए उनको काफ़ी मुश्किल रास्ता है, तो ये कट लगाए हुए हैं पहाड़ों को, कट छोटे छोटे से कट लगाए हुए हैं, यहाँ से उतरते हैं पांव रख के, और आगे भी थोड़े कट लगाए हुए हैं, वहाँ से भी उतर रहे हैं कुछ, और जाना है हमें बिल्कुल भी नीचे वहाँ से, वो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे हमें जाना है इस जगह पे। गाइस ऊपर से आ रहे हैं नीचे की तरफ, और यहाँ से घूम के यहाँ से और नीचे की तरफ जाना है हमें, इस साइड पे एक धाम। अभी ना हम ऊपर थे, वो जो लोग आ रहे हैं ना यहाँ से, हम अभी आए हैं, मैं अभी ऊपर था, यहाँ से उतर के अभी नीचे की तरफ आ गया हूँ, अभी और नीचे जाऊँगा मैं, तो आप देखेंगे पहाड़ ये काफ़ी ऊपर है, तो ये लोग उतर रहे हैं अभी तक वहाँ से, काफ़ी रश भी है, से बंद हो जाती है, इतना ना मुश्किल रास्ता है ये। और तो अभी गर्मी भी बहुत है, धूप भी निकल गई है, तो गर्मी की वजह से चक्कर आ गए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना तो इस वजह से, और अभी नीचे उतरना है, और लोग उतर रहे हैं पकड़ गए, गर्मी बहुत है पहाड़ों में ना, हवा बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पहाड़ चारों तरफ पहाड़ है, तो नीचे की साइड पर जाना है और इस साइड पर ये। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर लाजमी करें, और आगे तक ताकि पहुँचे, काफ़ी धाम बड़ा है हिंगलाज माता का मंदिर, जो कि काफ़ी भारत से भी हमारे दोस्त आना चाहते हैं, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिलता ये धाम।
दोस्तों के कमेंट आते हैं कि माता गिरिराज का मंदिर दिखाओ, माता गिरिराज का। तो ये है माता गिरिराज का मंदिर, और काफ़ी मुश्किल भी रास्ता होता है यहाँ पर ना। हर साल मेला लगता है 12 महीने, उसके बाद जब भी आते हैं सारे लोग, जब भी आ पाते हैं, बाकी अकेला 2-3 लोग नहीं आ सकते यहाँ पे इतने पहाड़ों में से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा खतरा भी रहता है, जानवर वगैरह भी रहते हैं, तो इस वजह से नहीं आते। तो मैंने वेट करके रखा था, अभी मेला है, नवरात्रि चल रही है, तो जब भी हम आए हैं तो अभी सारे लोग भी साथ हैं, तो इस साथों साथ हम भी घूम लेते हैं और यात्रा कर लेते हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये मंदिर भी आप लोगों को पूरे में सारा दिखाऊंगा, और यहाँ पे और वीडियो को ज़्यादा शेयर लाजमी करें आप। रास्ता है देखे ना, अगर अकेला कोई गिर भी जाए तो कोई पता ही नहीं चलेगा, और दूसरी चीज़ यहाँ पे नेटवर्क भी काम नहीं करते कुछ, ना नेटवर्क है ना लाइट है, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ये लोग मूवी मेकर भी लेके आते हैं सामने, देखे तो मूवी मेकर काफ़ी लोग जो है वो अपनी मूवियाँ साथ लेके आते हैं बड़े, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं यहाँ की डॉक्यूमेंट्री के, सफ़र काफ़ी मुश्किल होता है, तो इस वजह से लोग ना अपना सारा सेव करके रखते हैं और घूम के जाते हैं, तो फिर दिखाते हैं कि हम घूम जगह से लेके आ गए हैं। हाँ तो दोस्तों हम जाओ ऊपर जो चोटी है, यहाँ से उतर के अभी ये तकरीबन 84 धाम, जहाँ 84 धाम कहते हैं, वहाँ पहुँच गए हैं। की जय जय। तो ये बेचारा चाचा भी है हमारे साथ, ये भी आए हैं, उनके बेटे हैं जो वो तीर्थ कराने आए हैं, इनको तीर्थ यात्रा करवाने। जय पिताश्री है यहाँ दादा, ये थर के पैदाइश, थर के पैदाइशी हैं। अच्छा पिताश्री है, अभी है पिताश्री है ना। चले ये यात्रा करवाने, 90-85 नवे के लगभग उम्र है, और आप देख सकते हैं वहाँ से यात्रा करके नीचे एक तरफ अभी तक आया थी यात्रा कर। बूढ़ा है, इसकी बहुत हिंदू माता के यकीन है, उस वजह से ये पहाड़ों के नीचे आ रहे हैं, जो इसके सब इतना ईमान है, जो जब लोग गिर जाओगे तो माता की जातीत करूँगा की जय। से सारे लोग जो है अभी यात्री तकरीबन नीचे की तरफ आ चुके हैं, और ये इस तरफ देखें तो इधर भी रश लगा हुआ है, यहाँ से थोड़ा सी धाम है, और यहाँ से पहाड़ी से पानी आता है, पहाड़ी में से ये इस पहाड़ में से ना पानी बहता है, तो ये लोग लेके भी जाते हैं अपने साथ बोतलों में भर के, और यहाँ पे स्नान भी करते हैं, और ये पवित्र पानी माना जाता है, और ये कहते हैं कि ये धाम जो है ये पवित्र है, और यहाँ से पानी आता है ना, उसको साथ में लेके जाते हैं, जैसे माँ गंगा का लेके आते हैं, इसी तरह ही लेके आते हैं ये। तो सारे यात्री जो अभी इस धाम पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ से जो पानी आता है उसे 84 धाम बोलते हैं, 84 धाम भी कहते हैं, तो यहाँ से अभी पानी भी भरेंगे और ये लेके चलेंगे साथ। तो ये है पानी जहाँ पे पहाड़ों से आता है, यहाँ से ये स्नान भी करते हैं, और ये माना ये पवित्र पानी समझ के सारा साथ में भी लेके जाते हैं पहाड़ों में से, वहाँ से पानी कुछ लोग भर भी रहे हैं, उस पहाड़ से भी पानी आता है, और यहाँ से भी पानी आता है पहाड़ में से, तो झरने हैं ना पानी के होते हैं यहाँ पे, तो इसे 84 धाम भी बोला जाता है साथ में। जय माता दी काका, जय माता दी। फ्रेंड्स अभी हम जिस धाम पे पहुँचे उससे जो हमारे साथ यात्री है उनसे भी मालूम करते हैं कि ये धाम कौन सा धाम है। ये आपने पहले अपना नाम बताया। मेरा नाम साजन, मैं उमरकोट से, उमरकोट सिटी से आया। ये साजन क्या धाम के बारे में? भाई धाम ये जो है राम ने जो तीर चलाया था उस तीर में जो फटा हुआ ये पहाड़ी एरिया है, इसका ये कुंड है, रामकुंड भी बोलते हैं, और कहते हैं कि पानी निकाला था तो वो सारा पानी है, रहता ही है पानी, रहता ही है, ये कभी सूखता नहीं है, तो पहाड़ों से ना टपकता ही रहता है जमीन सारी जगह। आपका नाम? हिमचंद नाम है। आप कहाँ से है? के जी एम से आए हैं, कोई इलाका है वहाँ सिंध का ही है, तो आगे भी मालूम करते हैं हमसे। ये धाम है जहाँ पे पानी वगैरह भी लोग साथ में लेके जाते हैं, और ये नदी है गोल नदी यहाँ पे। जय माता की, ये मत होगी, यहाँ से देखो ना ये पानी, ये अमृत वेलरी जो यहाँ का पानी भी लेके जाते हैं, अमृत के समान लोग ऐसे विश्वास से मानते भी है, पानी घर पे रखते हैं, और कुछ भी हो जाए तो पानी वगैरह का छीटा देता है, जैसे गंगा जल होता है, तो गंगा जल भारत नहीं आ पाते सारे लोग, तो गंगा जल की जगह ये पानी इस्तेमाल करते हैं, अमृत वेलरी के नाम से ये धाम है, तो ये सारा पानी लोगों ने काफ़ी भरा भी, अभी लेके भी जा रहे हैं, तो बूंद बूंद यहाँ से आता है पानी, तो इसलिए काफ़ी टाइम भी लगता है एक बोतल भरने में, बोतल तो नहीं भरती फिर भी आधा कर लेते हैं, ये यहाँ से लेके जाते हैं सारे पानी। ये तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक ही, और यहाँ पे हम भी स्नान करेंगे, तो अभी कपड़े वगैरह भी चेंज करेंगे, बाद में जाएंगे माता के मंदिर, माता के दर्शन करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।
रामचंद्र हाँ सर।